हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज, आज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अपडेट लेकर आ गया हूं, तो वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कृष्णा एंड इमुए बंटाई के बारे में। तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले कृष्णा एंड इमुए बंटाई दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया था, एंड इस कंट्रोवर्सी के बीच कृष्णा जो है वो इमुए बंटाई के गर्लफ्रेंड का नाम लेकर गाना बनाए, और दूसरी तरफ इमुए बंटाई कृष्णा की माँ को लेकर गाना बनाए। तो इसी के चलते इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, और इस पर यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन आया है चलिए दिखाता हूँ। गाइज, इस पर मास्टर ने ट्वीट करते हुए लिखे, इन मुंबई मॉल यू सी कृष्णा एंड इमुए, पहले किससे मिलोगे और क्यों मिलोगे? तो इस पर इनके एक फैन का कहना है कि किसी से भी नहीं मिलेंगे, दोनों चुमतिए हैं। तो इस पर मेस्टर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे हंसी वाला इमोजी लगाए। एंड गाइज, नजीम अहमद को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि राउंड टू हेल के ऑनर मेंबर है। तो इन्होंने ट्वीट करते हुए यहाँ पे लिखा है, यू वोन दिस बैटल, मतलब कि यहाँ पे कृष्णा को साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई तुम इस जंग को जीत गए हो। देखिए गाइज, ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें पब्लिक को काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और इसी चीज को लक्ष्य चौधरी ने यहाँ पे लिखा है, इमुए फैंस गेटिंग ट्रिगर आफ्टर माय ट्वीट, लमाओ अनलिमिटेड बूस्टिंग माय इंस्टा स्टोरी व्यूज, थैंक टू ऑल छपरी फेवरियस दैट वाई इंटरनेट लिटरेरी इज नेसेसरी। मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो तीसरे का फायदा हो रहा है, मतलब पब्लिक काफी ज्यादा मजा उठा रही है, और इनके इंस्टा स्टोरी पे भी काफी ज्यादा व्यूज बढ़ गया है, मतलब कि लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, अमित भड़ाना का 1 जुलाई को एक शॉर्ट मूवी आने वाला था जिसका नाम था पगल। तो ये आने में अभी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, और इसके पीछे का रीजन क्या है चलिए आपको बताता हूँ। तो अमित भड़ाना ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखे, पहले मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज रही एंड फिर मेरी दादी। गाइस, इनके फैमिली में अभी हेल्थ इशू चल रहा है, एंड ये अपनी फैमिली के सेवा में अभी लगे हुए हैं। जैसे इनके फैमिली हेल्थ इशू ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो ये शॉर्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। एंड अभी आगे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब अभी ठीक है, इसी चीज को लिखते हुए यहाँ पे शेयर किया है अपने स्टोरी में। तो चलिए गाइज, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है टोटल गेमिंग की तरफ से। तो गाइज, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस पर बीस्ट बॉय सब का क्या रिप्लाई आया है चलिए आपको दिखाता हूं। वॉकिंग अप टू द रैन ए गुड स्टार्ट ऑफ द डे। चलिए गाइज, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गौरव तनेजा सर को तो आप लोग जानते ही हैं, ये और इनकी वाइफ अभी रिसेंटली मिले थे राजकुमार राव से, और इन्होंने अपने इंस्टा पे एक फोटो शेयर किए थे। इस फोटो को देखते हुए एक इनके फैन ने रिप्लाई किया था, रितु मैम के पास क्या एक ढंग का कपड़ा भी नहीं है क्या? तो इस पर गौरव तनेजा सर का रिप्लाई देते हुए कहे थे, मैं इसके पापा से कहा था 2 जोड़े में लड़की का विदा कीजिए, बस वही 2 जोड़े बचे हुए हैं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में। तो कल मनोज दे का बर्थडे था, एंड मनोज दे के इस बर्थडे के अवसर पे थगम फाउंडेशन की तरफ से दोस्तों गरीब लोगों के बीच में खाना बंटवाया गया प्रिंस की तरफ से। तो गाइस, काफी अच्छी बात है कि कोई अपने जन्मदिन के अवसर पे इन गरीब लोगों की भी मदद करता है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, सौरव जोशी अपने पापा को एक न्यू फोन दिलाने के लिए ले गए थे, एंड सौरव जोशी का भी इच्छा था कि अपने पापा को काफी महंगे फोन दिलाया जाए। तो ये इसके लिए गए थे एप्पल शॉप पे, और वहाँ पे iPhone 13 Pro Max दिलाने की कोशिश की है, लेकिन इनके पापा ने वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि बेटा मेरा इतना कोई काम नहीं है, कि इतना महंगा फोन का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। गाइस, इन्होंने इमुए बंटाई एंड कृष्णा इन दोनों का जो डिस्ट्रैक आया था मचाएंगे 4, उस पर इनका क्या रिएक्शन है आप लोग खुद देख लीजिए। गालियां चल रही है, पब्लिक खुलेआम मजे ले रही है और कमेंट भी कर रही है, पर कोई ये नहीं देख रहा। खुलेआम गालियां दे रहे हैं लोग, खुलेआम छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 15 साल के 20 साल के खुलेआम गालियां सीख रहे हैं खुलेआम, पर कोई बोलने वाला नहीं है। थारा भाई जोगिंदर बोलेगा दोबारे, सुनामी आएगी सुनामी। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अबे कृष्णा इमुए बंटाई, तुम दोनों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। तुम लोगों को पब्लिक ने बनाया है, तुम लोगों ने अच्छे गाने दिए हिंदुस्तान के अंदर, पर अब तुम लोग क्या कर रहे हो तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता, जोगिंदर बताएगा तुम लोगों को। और तुम दोनों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं बताऊंगा तुम लोगों के बारे में। अब थारा भाई जोगिंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट 15 मिनट का मैं लेके आऊंगा, और तुम्हारी एक एक बात हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाऊंगा, हर उन बच्चों तक जिनको तुम लोग गाली सिखा रहे हो। अबे माँ बहन के गाली तुम लोग खुलेआम दे रहे हो सोशल मीडिया के अंदर, पर्सनल फोन करके बोल दो ना, क्यों गाना बना रहे हो? अगर तुम लोग गाना बना रहे हो तो गाली क्यों दे रहे हो खुलेआम? मैं तुम दोनों से ये वाली बात पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो हिप हॉप के आर्टिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं बहुत बड़े रैपर हैं? कहाँ गए वो लोग? अब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे तुम लोग? अब तुम लोग क्यों नहीं यूनिटी दिखा रहे अपनी हिप हॉप के अंदर? ये नहीं चलेगा एरिया के अंदर, तांडव होगा इस बार, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। छोटे छोटे बच्चों को तुम लोग गाली सिखा रहे हो तुम लोग। अगर हमारे हिंदुस्तान में यही चलता रहा ना, आने वाले 3 साल के अंदर छोटे छोटे बच्चे गाली सीखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये 2 रैपर है, इमुए बंटाई और कृष्णा। मेरा कोई हेट नहीं है तुम दोनों से, तुम दोनों रैपर हो गए अपने घर के लिए। अगर तुम लोग गलत बोलोगे ना तो थारा भाई जोगिंदर उठेगा मार्केट के अंदर, और मैं बोलूंगा खुल के
खुल के बोलूंगा तुम दोनों के ऊपर, इस बार सुनामी आने वाली है बहुत ही खतरनाक वाली, माँ की कसम खा रहा हूँ, हिला दूंगा इस बार। अरे हिप हॉप में ये जितने भी रैपर है कोई बीच में मत आना इस बार, क्योंकि अभी तक तुम लोग कोई नहीं बोले इन लोगों के ऊपर जो खुलेआम गालियां दे रहे हैं। अब अगर जोगिंदर बोलेगा गलती से भी मेरे ऊपर, आवाज मत उठाना तुम लोग, बस रिक्वेस्ट करता हूँ साइड हो जाना साइड पर, मैं बताऊंगा गाना किसे बोलते हैं, अब मैं बताऊंगा रैप किसे बोलते हैं। कमिंग सून तबाही, सुनी होगी नहीं ना, सुनामी, मैं बताऊंगा सुनामी किसे बोलता मार्केट के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।